गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 10 एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रचेट गिवन बिलो एंड राइट थ्री क्वेश्चंस टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हमें सबसे पहले इस रचित जो है उसका फ़ोटो देखना है और इससे उठने वाले तीन क्वेश्चन, इस पिक्चर्स को देखकर आपके मन में जो तीन क्वेश्चन आएंगे वो आपको लिखने हैं ताकि आपको इससे और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज़ यूज्ड टू रन इट, इसे चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है रचेट को। ठीक है, फॉर विच पर्पस इज इट यूज, फॉर रचेट का यूज़ किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, कि ये किस काम में आता है। ठीक है, अब थर्ड है, हाउ कैन वी गेट वाटर फ्रॉम इट, हमें इससे पानी कैसे मिलता है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों तीन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब सेकेंड इमेज देखनी है हमें, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ स्प्रिंकलर गिवन बिलो एंड राइट थ्री क्वेश्चन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हमें ये जो स्प्रिंकलर की इमेज दी गई है जो खेतों में लगा होता है, किसके लिए, फॉर इरीगेशन। ठीक है, ताकि सिंचाई हो सके, पानी मिल सके खेतों को। तो हमें इस स्प्रिंकलर को देख कर तीन क्वेश्चन फ्रेम करने हैं जो हमारे माइंड में आए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं, हाउ इज़ वाटर रीच द फील्ड्स फ्रॉम स्प्रिंकलर, कि पानी कैसे पहुंचता है स्प्रिंकलर की मदद से खेतों के अंदर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ये किस प्रकार इरिगेशन का सबसे बेस्ट क्या है, तरीका है, क्यों है। और थर्ड, फ्रॉम वेयर द वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द ट्यूब वेल, अब इस स्प्रिंकलर में जो पानी आता है वो ट्यूब वेल से आता है, तो ट्यूब वेल से पानी किस प्रकार निकाला जाता है इस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो हमें इमेज देखकर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। अब चलते हैं हम थर्ड में क्या करना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, हमें इस इमेज को देखना है एंड मेंशन द स्टेप्स, हमें क्या लिखने हैं स्टेप्स, हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इन्वॉल्व इन रचित इरिगेशन सिस्टम। रचित इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई का जो सिस्टम है, रचित की मदद से जो करते हैं हम सिंचाई, खेतों को पानी देते हैं रचित सिस्टम से, उसके स्टेप्स लिखने हैं कि ये किस प्रकार होता है। ठीक है, तो बच्चों इस जगह स्पेस कम था तो मैंने इसे नीचे लिखा है, आप भी इसे यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, रचेट इज़ अ वी लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड एट अ वेल और बाउरी। अब देखो रचेट एक ऐसा क्या है, पहिया होता है ना व्हील, तो वैसा स्ट्रक्चर है पहिए जैसा, जिसको कहाँ पर लगाया जाता है, वेल या तो कुएं के अंदर या फिर बावड़ी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट, इसके अंदर क्या लगे होते हैं पहिए में, बहुत सारे कंटेनर्स या डिब्बे। ठीक है, जो उसमें अटैच जुड़े होते हैं, When they are dipped into water, they get filled. जब हम उस पहिए को चलाते हैं तो उन कंटेनर्स में पानी भर जाता है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, डिप करते हैं हम उसे, वो फिल्ड भर जाते हैं। अब आउटसाइड और बाहर की तरफ, When these containers come downwards, जब ये कंटेनर्स का पानी नीचे की ओर जाके भर के ऊपर आता है, तब through a moving wheel, water flows on the wall of the well. तो क्या होता है बच्चों, जो कुएं की दीवार होती है वो उस पर पानी जाता है। ठीक है, उस पहिए की मदद से कंटेनर्स में जो पानी होता है वो कुएं की दीवार में जाता है। उसके बाद
फ्रॉम देयर वाटर रीचेस टू द फील्ड्स थ्रू ड्रेन्स। उसके बाद जब कुएं की दीवारों पर पानी पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, हम नालियाँ बनाते हैं जो खेतों तक जाती है, ड्रेन्स होती है नालियाँ, ठीक है। तो पानी वहाँ से जाता हुआ खेत में जाता है, तो इस प्रकार क्या होता है, खेतों की सिंचाई और उन्हें पानी मिल जाता है। बुल इज यूज टू रन इट। अब इस प्रक्रिया में पहिया कौन चलाता है, बुल यानी कि सांड, ठीक है। जब वो उसे धक्का देता है उस पहिए को तो सारे कंटेनर्स भर जाते हैं, और जब कुएं की दीवारों पे पानी पड़ता है तो वो नाली की मदद से खेतों में पहुंच जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट, अब फोर्थ देखते हैं हम, ठीक है। अब फोर्थ में क्या करना है, नेम एनी थ्री क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ। हमें तीन ऐसी किसकी क्रॉप्स फसल के नेम लिखने हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ठीक है। अब तीन लिखनी थी, यहाँ पे चार लिख दी है मैंने, ठीक है। अब देखिए, क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ, ये है वो क्रॉप्स या फसल जिन्हें बढ़ने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। पी मटर, ग्राम चना, ऑनियन प्याज एंड कुकुम्बर, ठीक है। अब इन सभी को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर 10 है बच्चों, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं PDF सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर और ऐप पर, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे कर लीजिए और आपको ये सभी गुड हैंडराइटिंग में करना है, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए स्पेस थोड़ा कम है ऊपर, तो आप इसे नीचे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।